कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग चल रही है। इस स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में शिल्पा शिंदे, आसिम रियाज, सुमोना चक्रवर्ती, अभिषेक कुमार, शालीन भनोट, कृष्णा श्रॉफ जैसे कई पॉपुलर चेहरे शामिल हुए। वहीं बीते दिन अपनी एक रिपोर्ट के जरिए ये तो हमने आपको बताया ही था कि शो से पहला एलिमिनेशन बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट आसिम रियाज का हुआ है। आसिम रियाज की हो गई थी रोहित शेट्टी से लड़ाई। वेल, अब ये पूरा मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको ये बताते हैं। असल में हुआ कुछ यूं कि आसिम रियाज ने एक स्टंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर शालीन भनोट और अभिषेक आसिम को समझाने लगे। ये कहने लगे कि भाई स्टंट कर लो, कुछ नहीं होगा। रोहित शेट्टी ने भी आसिम रियाज से कहा कि ये स्टंट डेंजरस नहीं है, हमारी टीम ने इसे परफॉर्म किया है और उसके बाद ही इस स्टंट को आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है। रोहित शेट्टी ने समझाया कि सभी सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आसिम रियाज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, आसिम ने स्टंट करने से इनकार किया और अभिषेक शालीन लगातार आसिम को समझाने की कोशिशें करते रहे। आसिम रियाज ने गुस्से में अभिषेक और शालीन को लूजर कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसिम ने ये तक कहा कि मैं हर 3 महीने में गाड़ियां बदलता हूँ, ये दोनों मेरे सामने हैं कौन। खबरें आ रही हैं कि आसिम ने रोहित शेट्टी से ये कहा कि वो शो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो शालीन और अभिषेक जैसे लूजर्स के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते। इस बात पर शालीन और अभिषेक को बहुत गुस्सा आ गया और बहस बढ़ गई। फिर क्या था, बीच में कूदी शिल्पा शिंदे और शिल्पा ने आसिम को सपोर्ट करते हुए बोला कि आसिम को प्रवोक किया गया है, इसीलिए आसिम का इतना नैस्टी बिहेवियर निकला है। शिल्पा का सपोर्ट मिलने के बाद आसिम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। बहस इतनी बढ़ गई कि रोहित शेट्टी को एक्शन लेना पड़ा और आसिम रियाज को शो से बाहर निकाला गया। जी हाँ, आसिम ने अभिषेक और शालीन के साथ स्टेज शेयर करने से कर दिया था इनकार। आसिम ने दो टुक कह दिया था कि या तो ये या फिर मैं। तो ये था आसिम के एलिमिनेशन का पूरा किस्सा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।